मध्य प्रदेश की झाबुआ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने भानु भूरिया को 27,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। वहीं झाबुआ चुनाव में भाजपा के हारे प्रत्याशी भानु भूरिया ने कमलनाथ सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए एक सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। इधर आ जाना बीच में। रोलिंग। 27,000 मतों से जीतने कांतिलाल भूरिया, किस तरह से आप देखते हैं? मैं इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मेरे यहाँ के स्थानीय सभी नेताओं और इस विधानसभा के समस्त मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना विश्वास जताया और मुझे सहयोग प्रदान किया। जहाँ तक हार जीत का सवाल है, ये हार एक कार्यकर्ता की है और ये जीत एक सरकार और उसके धन बल की है। भानु भाई, काफ़ी मेहनत की, कहाँ कमी रह गई आप? हमारी कमी तो कहीं से कहीं तक कहीं नहीं रही। हमारे सभी नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की, लेकिन इन्होंने प्रशासन का बहुत दुरुपयोग किया। प्रशासन के माध्यम से इन्होंने मतदाताओं को खरीदा, उस वजह से यह चुनाव प्रभावित हुआ। आपने एक आवेदन भी दिया था रिटर्निंग अधिकारी को, क्या इस मामले में? उसमें काफ़ी त्रुटियां आ रही थी। जब हमने आवेदन दिया तो तत्काल उस आवेदन को निरस्त किया। हमने जब देखा ईवीएम जब खोली जा रही थी तो कोई ईवीएम 437 पे बंद होना बताया गया, कोई ईवीएम 432 पे बंद हो रही, कोई 440 पे बंद हो रही। तो जब मतदान 5 बजे बंद हुआ तो ईवीएम का जब वो अपन खोल रहे रिजल्ट के लिए तो वो समय से पहले कैसे बंद होना बताया? इसलिए मैंने आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन सरकार के दबाव में उन्होंने तत्काल मेरे आवेदन को निरस्त किया और उसको अस्वीकार किया। तो इस मामले में आगे क्या करेंगे? आगे हम हमारी पार्टी से सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति तय करेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की विजय मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व और उनके कार्य करने के तरीके पर जनता की मुहर है। ओझा और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनाव नतीजे आने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। ओझा ने झाबुआ के मतदाताओं के प्रति पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री भूरिया की विजय मुख्यमंत्री के राज्य के विकास के प्रति उनकी सकारात्मक सोच को समर्थन है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने इस विजय के जरिए राज्य में 15 सालों तक राज करने वाली भाजपा के नेताओं को भी यह संदेश दे दिया है कि वे जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं और नकारात्मक बातों से बच आए। मतदाताओं ने मात्र 10 माह पुरानी कांग्रेस सरकार को समर्थन भी इस विजय के जरिए दिया है। शोभा ओझा ने बताया कि बीजेपी झाबुआ उपचुनाव के बाद जो सपने देख रही थी, सत्ता में आने के बाद मुंगेरी लाल के सपने उनको देखना बंद कर देना चाहिए। जनता ने झाबुआ के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता दिया है। आप भी सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान शोभा ओझा ने क्या कुछ कहा। कि जो मुंगेरी लाल के सपने बीजेपी देखती थी और जो बार बार स्टेटमेंट्स देती थी, यहाँ तक कि कहा गया था कि झाबुआ में भानु को जिताई और दिवाली बाद शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बने, किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं? और उसके बाद देखिए, तमाशा देखिए, गोपाल भार्गव जी इंदौर आके कहते हैं कि नहीं, वो तो चुनावी भाषण था। तो चुनावी भाषण में बीजेपी केवल और केवल झूठ पर हंसती है। इस बात पे उन्होंने मोहर लगाई कि चुनावी भाषण सबसे अहम भाषण होता है, उसका एक एक शब्द जनता के बीच में सच परोसने के लिए होना चाहिए, न कि चुनावी भाषण में लोगों को गुमराह करो, झूठ बोलो। और यही चुनावी भाषण थे जिसके चलते 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का बीजेपी ने वादा किया था, 15 लाख रुपए देने का भी बीजेपी ने वादा किया था। पता है उस बात की थी, मात्र 9 महीने में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी, और नहीं तो पिछले 15 साल मध्य प्रदेश हर गलत बसों के नंबर 1 बताया था। पर आज हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि जहां पूरे देश में बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहां आज मध्य प्रदेश में 40% बेरोजगारी खत्म हुई।
किसान का कर्जा माफ हुआ है, बिजली का बिल आधा हुआ है, हमारे बुजुर्गों की पेंशन 300 से 600 हुई है, कन्याओं के विवाह में 21,000 से 51,000 हुई है, और समझदार जी की सब अच्छे कामों पर झाबुआ की जनता ने मोहर लगाई है और इस प्रदेश के विकास को ताकत दी है, मजबूती दी है, और इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो मुंगेरी लाल के सपने बीजेपी देखती थी और जो बार बार स्टेटमेंट देती थी, यहाँ तक कि कहा गया था कि झाबुआ में भालू को जिताई और दिवाली बाद शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल गांव चोपड़ी तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700 7082093700 9468227222 7027551000 9050111009 JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।